बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का बड़ा टॉपिक है हमारा रेडिकल इक्वेशंस। ठीक है, रेडिकल इक्वेशन कैसी इक्वेशन है? एन इक्वेशन इन विच वेरिएबल इज अंडर द रेडिकल साइन कॉल्ड अ रेडिकल इक्वेशन। मतलब ये जो सिंबल होता है इसको हम रेडिकल साइन बोलते हैं। अगर तो यहाँ पे इंडेक्स नहीं लिखा होगा तो स्क्वायर रूट होता है, अदरवाइज यहाँ पे इसका इंडेक्स लिखा होगा 3, 4, 5, 6। ठीक है जी, तो जब भी वेरिएबल इस रेडिकल साइन के नीचे आ जाए ऐसी इक्वेशन कौन सी इक्वेशन कहलाती है? रेडिकल इक्वेशन। अब एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें हमने रेडिकल इक्वेशंस को ही सॉल्व करना है। ठीक है जी, तो पहला क्वेश्चन है जी 3x + 4² = 2। तो स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है, पहला स्टेप क्या होगा? तो बेटा आपने बोथ साइड्स पे स्क्वायर अप्लाई कर देना है स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए। तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, 3x + 4 इक्वल आ गया 4 के शेड। तो यहाँ से आप प्लस का 4 है राइट साइड पर ले जाएं, क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो 3x = 0 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। ठीक है, अब आपने क्या करना है? अब आपने इसकी चेकिंग करनी है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में की थी। अब जहाँ जहाँ पे x है रेडिकल इक्वेशन में वहाँ पे क्या पुट कर देना है? 0 पुट कर देना है। ठीक है, तो 3 + 0 = 0, 0 + 4 = 4 आ गया। 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 2। तो ये सेटिस्फाई हो गई, इसका मतलब ये एक्सट्रेनियस रूट नहीं है, ये सॉल्यूशन सेट में आएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 0। तो इस तरह कोई भी रेडिकल इक्वेशन जो है उसको आपने सॉल्व करना है। ठीक है, इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड है, क्या करना है? ये सबसे पहला स्टेप आपने ये जो माइनस का 2 है इसको राइट साइड पे ले जाना है, प्लस हो गया। अब आपको क्यूब रूट मिल रहा है, तो क्यूब रूट को ख़त्म करने के लिए क्या अप्लाई करेंगे बोथ साइड्स पे? पावर 3 लेंगे, क्यूब ले लेंगे, क्यूब क्यूब रूट कैंसिल, 2x - 4 = किसके आ गया? 8। माइनस का 4 है राइट साइड पे ले जाएं, तो 2x = हो गया 12। तो x 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 6 आ गई। अब आपने इसकी चेकिंग करनी है, तो जहाँ जहाँ पे x है आपने क्या पुट कर देना है? 6 पुट कर देना। ठीक है जी, तो अब इसको सॉल्व करें, 6 × 12 = 4 कितना बचा? 8। तो 8 2 का क्यूब होता है, 8 का क्यूब रूट कितना बनेगा? 2। तो 0 = 0 आ गया। तो इसका मतलब यही सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा? 6। ठीक है, ये है जी। अच्छा जी, इसी तरह बेटा ये आपका थर्ड पार्ट है। तो क्या करना है जी? सबसे पहले इधर देख लो, ये माइनस का 7 किधर ले जाना है? राइट साइड पे ले जाना है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? बोथ साइड्स पे स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, माइनस से जाके क्या हो जाएगा? प्लस। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 50। अब आपने इसकी चेकिंग करनी है, जहाँ जहाँ पे एक्स है क्या पुट कर देना है? 52 पुट कर देना है। 52 - 3 = 49। 49 का स्क्वायर रूट 7, तो 0 = 0। इसका मतलब यही इसका सॉल्यूशन होगा, विच इज 52। ठीक है, समझ आ गया। इसी तरह ये क्वेश्चन है आपका, ने ये वाला पहला स्टेप आपने बोथ साइड्स पे स्क्वायर ले लेना है। 2 का स्क्वायर हो गया 4, ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, ये हो गया 25। ठीक है जी, तो 40 + 16 को ले जाओ राइट साइड पे, 25 - 16 कितना बचा? 9। तो टी की वैल्यू क्या आ गई? 9।
9/4, ये वैल्यू पुट कर देनी है चेकिंग में, तो 2 × 9/4 प्लस 4 एलसीएम ले लो, 9 + 16/4 ये हो जाएगा जी आपका 25/4 तो वही तो